विधायक गणेश नाइक की मांग 8 दिनों में प्रकाशित करो डीपीआर। बीजेपी नेताओं के दबिश पर मनपा आयुक्त बांगर हुए तैयार। नई मुंबई में जर्जर और पुरानी इमारतों का रीडेवलपमेंट शुरू हो गया है। नेरुल में 2.5 FSI पर निर्माण और वासी में 4.8 FSI पर टूट रही इमारतों की जगह ऊंची इमारतें बनाने की तैयारी है। इन सबके बीच मनपा के मॉडिफाइड डीपीआर को लेकर बवाल मचा है। आज बीजेपी नेता गणेश नाइक ने हफ्ते भर में इसका प्रकाशन करने की मांग की। आयुक्त ने जवाब में कहा कि जल्द प्रकाशित करेंगे, लेकिन गणेश नाइक इसे मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने चर्चा के दौरान साफ कहा कि मनपा का जल्द 2 महीने और 2 साल भी हो सकता है, इसलिए उन्हें यह देरी मंजूर नहीं है। बीजेपी नेता ने जोर देकर 8 दिनों के भीतर डीपीआर जारी करने की मांग की। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। डीपी प्लान के बारे में आयुक्त महोदय को मैंने बोला कि आने वाले 8 दिन में ये डीपी प्लान पब्लिक के लिए फ्लैश होना चाहिए, जाहिर होना चाहिए। वो बोले कि हम जल्दी से जल्दी करेंगे, मतलब जल्दी से जल्दी कल भी होता है और 2 साल के बाद भी होता है। हमें 8 दिन की हमने बोला, जब हम लोग वापस आएंगे आपको मिलने के लिए उस वक्त में डीपी प्लान फ्लैश हुआ होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ऐसा उनको बोला है। बताना जरूरी है कि बीते माह नई मुंबई के सुधारित डीपीआर को लेकर सिडको और मनपा उच्च अधिकारियों की एक विशेष बैठक हुई थी, जिसमें लोक नेता गणेश नाइक भी मौजूद थे। गणेश नाइक ने इसी का हवाला देकर आयुक्त से पूछा कि जब सिडको MD संजय मुखर्जी और दूसरे उच्च अधिकारियों ने डीपीआर जारी करने को मंजूरी दे दी है, तब इसमें भला देरी क्यों हो रही है। पूर्व मंत्री ने आयुक्त से मुलाकात के बाद कहा कि यदि 8 दिनों के भीतर डीपीआर सामने नहीं आता है तो इसके खिलाफ हम राज्यपाल से मिलकर हस्तक्षेप की मांग करेंगे। मैंने आयुक्त महोदय से ये पूछा कि जब सिडको MD संजय मुखर्जी साहब के साथ में मेरे मैंने उपस्थिति में जब मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग में सिडको के कई अधिकारी और महापालिका के कई अधिकारी बैठ के जो डीपी प्लान में जिन प्लॉट का समावेश किया गया है वो पक्का करने के लिए वो मीटिंग होने वाली थी, वो मीटिंग हुई है। आज मैंने उनको बोला कि भाई आप जब हम लोग आएंगे तो उस वक्त में डीपी प्लान ही हमको अपने फ्लैश किया सब दिखना चाहिए। फिलहाल मनपा चुनाव के असमंजस के बीच गणेश नाइक का मनपा आयुक्त से मुलाकात का सिलसिला तेज हो गया है। जाहिर है आज वोटर लिस्ट, सिडको के यूटिलिटी प्लॉट और डीपीआर को लेकर जो मुद्दे उठाए गए हैं, उनसे नई मुंबई की राजनीति को कुछ दिनों के लिए गर्माहट जरूर मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।